नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी का लाइव पेज और इस समय हम खड़े हुए हैं फरीदाबाद के वर्ल्ड स्ट्रीट के अंदर, जहां पर किस तरीके से जो है वो कोरोना गाइडलाइन का पालन जो है वो पुलिस के द्वारा करवाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि पुलिस जो है वो सख्ती से इस समय लोगों के साथ, क्योंकि जिस समय हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने जो है वो सख्त आदेश दिए हैं, सख्त हिदायत दी है कि 11 बजे से लेकर के जो है वो सुबह 5 बजे तक हरियाणा में पूरे तरीके से जो है वो लॉकडाउन रहेगा। और उसी को लेकर के, क्योंकि आज क्रिसमस का त्यौहार है और क्रिसमस का त्यौहार बनाने के लिए देखिए भारी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पे एकजुट हुए हैं, और उन लोगों को अब कहीं ना कहीं पुलिस अनाउंसमेंट के माध्यम से और लगातार जो है वो उनको घर भेजने की जो है वो अपील कर रही है, क्योंकि 11 बजे के बाद से जो है वो नाइट कर्फ्यू हरियाणा के अंदर पूरे तरीके से लागू होगा। और ये देखिए वर्ल्ड स्ट्रीट पूरे तरीके से सजाया गया था, वर्ल्ड स्ट्रीट को जो है वो पूरे तरीके से एक दिवाली की तरह जो है वो इस समय सजाया गया, क्योंकि ये त्यौहार के रूप में जो है वो भारी संख्या में यहाँ पे गैदरिंग है और भारी संख्या में जो लोग हैं आप देख सकते हैं कि कितने यहाँ पे लोग जो है वो यहाँ पे पहुंचे हुए थे। हालांकि पुलिस के जो है वो पूरे पुख्ता इंतजाम यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और पुलिस के इंतजाम के चलते जो है वो पूरे तरीके से कहीं ना कहीं कई PCRO जो है वो इस समय तैनात किया गया है, ताकि किसी भी प्रकार से जो लोग हैं वो जो कोरोना गाइडलाइन है, जो ओमिक्रॉन जिस तरीके से पाया गया था, तो उसके बावजूद वो तमाम प्रोटोकॉलों को जो है वो फॉलो किया जाए। हालांकि पूरे तरीके से आपको जगमग दिखेगा ये वर्ल्ड स्ट्रीट, लेकिन आप देख सकते हैं कि साथ ही साथ जो है वो पुलिस की रेड लाइट की लगी गाड़ियां भी जो है वो यहाँ पे खड़ी दिखाई देंगे। और इन लोगों को अब सख्त सभी को कहा जा रहा है कि आप 11 बजे के बाद अपने अपने घरों के लिए और जो है वो रवाना हो जाइए। और क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा के अंदर देखिए रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जो है वो नाइट कर्फ्यू है, और नाइट कर्फ्यू के दौरान किसी को भी जो है वो निकलने की अनुमति नहीं है। हालांकि दुकानों के शटर जो है वो बंद होने शुरू हो गए, क्योंकि 11 बजे का समय ही सिर्फ जो है वो यहाँ पे दिया गया सभी लोगों को। और उसी को लेकर के जो है वो ये देखिए अनाउंसमेंट के माध्यम से जो है वो अब लोगों को बताया जा रहा है। एक बार SHO साहब से हम जानने की कोशिश करते हैं। SHO साहब, सर किस तरीके की तैयारी चल रही है नाइट कर्फ्यू को लेकर के? लोगों में अवेयरनेस पैदा की जा रही है, सामाजिक संस्थानों की मदद ली जा रही है, एसोसिएशन को कहा गया है भाई बीमारी है, इसमें कोविड में अच्छी तरह से अपना व परिवार का व सोसाइटी के लोगों का ख्याल रखना है। मार्केट में दुकानदारों को या सिक्योरिटी वालों को सबको लोगों का अवेयरनेस के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं SHO साहब लगातार त्योहारों का सीजन चल रहा है, तो त्योहारों के सीजन के मद्देनजर लोग जो है वो अक्सर घरों से बाहर निकलते हैं एंजॉय करने के लिए, तो उसको लेकर के खासी कहीं ना कहीं समस्याएं भी आप लोगों के सामने आ रही होंगी। देखो सरकार की तरफ से, मीडिया की तरफ से भी आप लोगों के सहयोग से लोगों में अवेयरनेस पैदा की जा रही है, उससे काफी वैसे फर्क पड़ रहा है। जो संसाधनों द्वारा लोग अब जागरूक हुए हैं, वैसे कर रहे हैं इसका पालन, कर रहे हैं पालन कहीं ना कहीं। देखिए SHO साहब का कहना है कि पालन किया जा रहा है, और फिलहाल देखिए काफी, आपको मैं दिखा दूं यहाँ से मात्र 15 से 20 मिनट पहले जो है यहाँ पे लगभग हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे इकट्ठे हो रहे थे, क्योंकि जश्न मनाने की तैयारी जो है वो लोगों की थी। लेकिन अब जो है वो पुलिस ने बाकायदा वार्निंग करके जो है वो लोगों को यहाँ से अब खाली करवाना शुरू कर दिया, और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि तमाम लोग जो है वो अपने अपने घरों की ओर जा रहे हैं, क्योंकि 11 बजे तक का जो समय है वो निर्धारित सरकार की तरफ से किया गया है, और 11 बजे के बाद जो है वो नाइट कर्फ्यू पूरे तरीके से लागू रहेगा। उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस का जो सख्त एक्शन जो है वो आपको देखने को मिल सकता है, और पुलिस कहीं ना कहीं चालान काटने की बात करी जाए या फिर जो सख्ती है, जो सख्ती सख्ती है जो वो पुलिस जो है वो अपनाने का रुख दिखाई दे सकती है। तो इसी को लेकर के बाकायदा अनाउंसमेंट जो है वो पुलिस की PCR गाड़ी है उनके द्वारा जो अनाउंसमेंट है वो की जा रही है, क्योंकि लगभग जो है वो 4 से 5 घंटे से भी अधिक का समय हो चुका है लोगों को यहाँ पे जश्न मनाते हुए, और लोग जो है वो अब अपने अपने घरों की ओर जो है वो आपको रवाना होते दिखाई देंगे।
क्योंकि मात्र सिर्फ 5 मिनट का समय बचा है और 5 मिनट के बाद जो है वो कहीं ना कहीं पुलिस जो सख्ती है वो दिखा सकती है, और पुलिस जो है वो सख्ती दिखाते हुए लोगों के चलान भी करना शुरू कर सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं ये इस समय जो है वो बकायदा 4 से 5 जो PCR हैं वो यहाँ पे बकायदा तैनात की गई हैं। 4 से 5 PCR जो है वो बकायदा लोगों को जो है वो सख्त दिशा निर्देश दे रही हैं कि जो कोरोना गाइडलाइन है उसका जो है वो पूरे तरीके से पालन करें, उसका जो है वो पूरे तरीके से जो निर्धारित की गई है समय तय सीमा कोरोना गाइडलाइन की और नाइट कर्फ्यू की उसको पूरे तरीके से पालन करके आप सभी लोग जो है वो अपने अपने घरों की ओर रवाना हो। ये पंजाब के श्री के दर्शकों को भी हम ये अपील करना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये गंभीर बीमारी है तो उसको लेकर के जो सरकार की तरफ से गाइडलाइन दी जा रही है, सरकार की तरफ से जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उनको आप कहीं ना कहीं पूरे तरीके से फॉलो कीजिए, उनको आप जो है वो पालन कीजिए उनका, ताकि इस गंभीर बीमारी को जो है वो अधिक फैलने से जो है वो बचाया जा सके। इस चौक पे जो है वो आपको अब से आधे घंटे पहले जो है वो हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग थे, हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग इकट्ठे हो रखे थे, लेकिन अब जो है वो पूरे तरीके से धीरे धीरे इस चौक को जो है वो पूरे तरीके से खाली करवा दिया गया है, और नाइट कर्फ्यू का जो असर है वो अब किस तरीके का देखने को मिल रहा है आप देख सकते हैं कि फरीदाबाद पुलिस जो है वो मुस्तैद हो गई है, और फरीदाबाद पुलिस ने कमर कस ली है कि देर रात जिस तरीके से जो हरियाणा सरकार की गाइडलाइन है, हरियाणा सरकार की तरफ से दिशा निर्देश हैं, उसको जो है पूर्णतः लोगों को पालना जो है वो उसकी करवाना है। दिखा देते हैं ना, ये देखिए ये सामने आप देख सकते हैं ये वर्ल्ड स्ट्रीट की तरफ से जो है वो तैयारी जो है वो किस तरीके से की गई थी क्रिसमस की। हालांकि देखिए उन सब तमाम चीजों का ध्यान जो है वो बकायदा रखा गया है, क्योंकि लोग जो है वो इस जश्न को पूरे तरीके से मना लें, लेकिन आप देख सकते हैं कि क्योंकि तय सीमा एक निर्धारित की गई है, तय सीमा जो है वो एक फिक्स की गई है, तो उसके बाद जो है वो लोगों के साथ सख्ती से जो है वो उनके साथ पालना की जाएगी और सख्ती के साथ जो है वो लोगों के साथ जो है वो किया जाएगा। और आप देख सकते हैं बकायदा क्रिसमस ट्री जो है वो यहाँ पे बनाया गया है। ये देखिए पुलिस की जो आप देख सकते हैं PCR लगातार बढ़ती जा रही है, PCR जो है वो लगातार देख सकते हैं आपकी PCR अब एक्टिव होनी शुरू हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से जो गाइडलाइन हरियाणा सरकार की तरफ से दी गई है उन गाइडलाइनों का पालना जो है वो पुलिस अब करती दिखाई दे रही है। और ये देखिए ये भी जो है वो यहाँ पे क्रिसमस की ही तैयारी थी, जो क्रिसमस को लेकर के लोगों के लिए एक तरीके से बनाया गया था यहाँ पे एंजॉयमेंट के लिए और सेल्फी पॉइंट एक तरीके से बनाए गए थे, लेकिन अब जो है वो समय समाप्त हो चुका है एंजॉयमेंट का, और इसके बावजूद जो है वो लोग अब अपने अपने घरों की ओर जो है वो रवाना होने के लिए जो है वो पुलिस वार्निंग देना शुरू कर दी है, पुलिस की तरफ से सायरन बजने शुरू हो चुके हैं, पुलिस जो है वो लगातार अनाउंसमेंट कर रही है लोगों से कि अपने समय से जो है वो 11 बजे का जो टाइम निर्धारित किया गया हरियाणा सरकार की तरफ से वो अपने घरों में पहुंच जाएं, क्योंकि 11 बजे के बाद से जो है वो नाइट कर्फ्यू अब शुरू हो जाएगा, अब लोग जो है वो अपने अपने साधनों की ओर जो है वो आपको जाते दिखाई देंगे।
एक बार एक परिवार आ रहा है, एक बार हमसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके सर ये जो 11 बजे का बताया गया है, क्या सही मानते हैं इसको, कितना सही मानते हैं आप इसको? सही का मानना क्या है कि अब प्रशासन है जो है उसके अकॉर्डिंग तो चलना ही पड़ेगा, नहीं चलेंगे फिर अब हमारे लिए गलत है, चलना भी चाहिए, चलना भी चाहिए, उसमें क्या है, अच्छी बात है, ये तो सबकी सेफ्टी के लिए है, हमारी सेफ्टी के लिए है, तो बहुत अच्छी सही बात कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं चलना भी चाहिए। कुछ और युवक हमारे साथ हैं, क्या नाम भी आपका? ये कौशल। कौशल भाई क्या मानते हैं जो 11 बजे जिस तरीके से अब कर्फ्यू शुरू होने वाला नहीं, है? ये सही चीज है, इस टाइम पे होना चाहिए क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट काफी फैल रहा है अभी, तो ये चीज सही है, होना चाहिए, होना चाहिए। आपका क्या नाम है? डीपीएस तोमर, दीपेंद्र प्रताप सिंह तोमर। आप भी क्या कहना चाहोगे? ये नेसेसरी है और मैंडेटरी, वी हैव टू फॉलो दिस। बिल्कुल ठीक बात है, देखिए बिल्कुल जिस एंजॉयमेंट का समय बकायदा हरियाणा सरकार की तरफ से दिया गया था 11 बजे तक के लिए, जो है वो एंजॉय करने के लिए लोगों को समय भी दिया गया है, और इसके बावजूद अब जो है वो समय सीमा जो है वो समाप्त हो चुकी है, और अब इसके बावजूद जो है वो अब लोगों को सख्त हिदायत दी गई है, और सख्त हिदायत के बावजूद जो है वो अब लोग अपने अपने घरों की ओर जो है वो आपको जाते दिखाई देंगे। और कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके से लगातार जो है वो कोरोना गाइडलाइन की पालना के लिए जो है वो हरियाणा सरकार की तरफ से सख्त हिदायत दे दी गई है, और सख्त देखिए फिलहाल जो है वो अब पुलिस की तरफ से जो है वो अब कोरोना कर्फ्यू जो है वो उसके पालना करवाना शुरू कर दिया है, और बकायदा अनाउंसमेंट के माध्यम से जो है वो लोगों को अब सख्त हिदायत दी जा रही है कि आप अपने अपने घरों पर समय के अनुसार जो है वो पहुंचिए, क्योंकि 11 बजे के बाद सुबह 5 बजे तक जो है वो हरियाणा के अंदर पूरे तरीके से नाइट कर्फ्यू रहेगा। लेकिन अब लोग भी जो है वो इस बात को समझते हैं कि लोग इस गंभीर बीमारी से जिस तरीके से पहले जूझ चुके हैं उस तरीके से जो है वो दोबारा से लोग जो है वो जूझना नहीं चाहते, तो इसको लेकर के पंजाब केसरी भी जो है वो अपने दर्शकों से एक अपील करता है कि आप जिस तरीके से जो हरियाणा सरकार की तरफ से गाइडलाइन दी जाती है उस गाइडलाइन का जो है वो पूरे तरीके से पालन करें ताकि इस गंभीर बीमारी से हम सब मिलकर के जो है वो लड़ सकें।